गुरु जी जल्दी आओ अपनी सेटिंग्स लगाने में बैठे जी नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बिल्कुल बिंदास होंगे और पूरी एनर्जी से पूरे उत्साह से लबरेज होंगे ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं ठीक है एक पहल एक शुरुआत की गई आज और आप सारे लोग बिल्कुल उत्साहित हैं उस चीज को लेकर के मैंने थोड़ा सा पीपीटी में थोड़ा बहुत जल्दबाजी में यार पीपीटी बनी मैंने कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं कर पाए क्योंकि तो आज का जो बेसिकली आज जो वक्त है ये वक्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में इतनी सारी अनसुनी घटनाएं देखने को मिल रही सुनने को मिल रही हैं और उन सब में होता ना कि एक अंधेरे में एक आपको प्रकाश की रोशनी दिख जाए कुछ उस तरीके से आप सारे लोग को देखने को मिली इन सारी अलग अलग विपरीत मतलब अलग अलग है ना क्या बोलते हैं उसको अनवॉन्टेड ऐसा कुछ मतलब ऐसे उल्टी सीधी न्यूज में आपको एक अच्छी सी खबर देखने को मिली एस बी आई क्लर्क का नोटिफिकेशन और इवन जब से नोटिफिकेशन आया है तो लगातार आप सारे लोग देख रहे होंगे हर जगह पे हर चीज को लेकर के मतलब एक उत्साह सब लोग के में आ, सब लोगों में आ गया और आना भी चाहिए है ना हालांकि खबरें थी इसके पहले कि नोटिफिकेशन आ ही जाएगा अप्रैल में कुछ भी हो कैसा भी हो नोटिफिकेशन तो आ ही जाए नोटिफिकेशन आ भी गया और आप सारे लोग इस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि अब कोई भी कसर अपने एंगल से हम लोग को नहीं छोड़नी है हम लोग भी मानसिक रूप से पूरी तैयार पूरी तरीके से तैयार है कि आप लोगों को भी मतलब अपनी तरफ से भी कोई कसर हम लोग ना छुड़वाएं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से इवन लॉकडाउन का माहौल है हरियाणा सरकार ने भाई लॉकडाउन लगा दिया है फिर भी हम आके स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं आज मैंने सौरभ सर से भी आग्रह किया कि सौरभ सर आप भी आइए थोड़ा मुलाकात हो जाए क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एक दो लोग आपस में बैठ के बात करके हमें भी थोड़ा अच्छा चलता थो। मतलब अपनी साइड से भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप भी अपनी साइड से कोई कसर न छोड़ेगा सवाल बहुत एक आम आप लोग के बीच में आ रहा है कि कई जगहों पे कई स्टेट में ऐसा लग रहा है कि बड़ी वैकेंसीज कम है है ना ऐसा सुनने को मिल रहा है जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैथ्स बाई शांतनु सर का जो टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उसमें बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेज देखे उसमें यह था कि सर बिहार में वैकेंसी नहीं है देखो क्या है कि ए, एक इनिशियल डेटा होता है, है, ना? उस है आपको पता है आप देखना जब नोटिफिकेशन ये आप लोग ऐसा जब कभी कभी बोलते हो ना यार तो ऐसा लगता है कोई रिसर्च वगैरह कुछ करते ही नहीं लिटरली बता रहे जब ऐसा बोलते हो ना सर यहां तो वैकेंसी नहीं तो ऐसा लगता है मतलब कुछ आगे पीछे सोचते नहीं जो जिसने जो बता दिया वही मान के बैठ गए यार थोड़ा प्रीवियस वाला देख लिया करो आईबीपीएस बीपीएस का एग्जाम्पल लेके बैठो जब आया था कितनी वैकेंसी थी ढाई हजार दो हजार ढाई हजार ऐसे वैकेंसी थी बाद में कितनी हो गई है ना तो ऐसे तमाम उदाहरण आपके पास हाँ ऐसे तमाम उदाहरण है आपके सामने जब आप ये देखेंगे कि कोई भी बैंक जब नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो वो उस टाइम का इनिशियल डेटा होता है हमारे यहाँ इतनी इतनी इस इस राज्यों में इन इन राज्यों में इन इन बैंक में भाई इतनी हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है और आगे जो होगी वो आपके साथ समय के साथ आ जाएगी है ना तो चलिए दोस्तों मास्टर मास्टर स्ट्रोक स्ट्रोक का का क्या क्या हुआ लो देखो मास्टर का लिखा पढ़ो ऐसा तुम सोचते हो कि मतलब गुरु शुरू करके बंद कर देखो क्या लिखा मास्टर स्ट्रोक ये टाइटल पे देखो लिखा होगा मैं है, मास्टर स्ट्रोक चीजें थोड़ी सी बदली गई हैं पचास दिन का क्रैश कोर्स हमने जो शुरू किया वो पचास दिवसीय जो श्रृंखला है वो अभी भी है थोड़ा सा उसका नाम बदला गया यार थोड़ा सा नाम बदला गया ठीक है अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो हम आज पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक सत्तर परसेंट बच्चे सोते रहते हैं आपको भी पता है हाँ थोड़ा जहर टाइप में हम बोलते हैं उसमें तो मेरी फितरत है वो तो आप भी जानते हो और हमेशा आप इसी अंदाज में हमें देखे हैं है ना ऐसे जहर बोलने वाले अंदाज में और आपकी मोहब्बत थोड़ा बहुत हमारा एफर्ट और आप देख सकते हैं 2020 में किस लेवल पे सिलेक्शन हमने मतलब हम सब लोगों ने हम लोग के परिवार ने और आप सब ने मेहनत करके दिया है तो मुद्दे वाली बात यह है कि अब 2020 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं सॉरी दो हजार तो हो गया 2021 की बात करें 2021 में क्या क्या करने वाले हैं उन विषयों पर बात करेंगे आज का जो सेशन है आज के सेशन में हमने क्या क्या रखा है भाई पहला दिन है सेशन समरी के अंतर्गत सबसे पहला जो डिस्कशन हम लोग यहां पे करने वाले हैं सबसे पहला डिस्कशन वो कि वो बच्चे जैसे मैंने बताया कि 70 परसेंट बच्चे सोते रहते हैं अब वो 70 परसेंट बच्चे जगे हैं आप लोग देख सकते हैं अभी तकरीबन 1400 बच्चे हम लोग के बीच में जुड़ चुके हैं और यही मेरी एनर्जी यही होती थी हमेशा से मेरा एफर्ट वही होता था लेकिन इसके पहले आप सब लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में इतने चौदह साढ़े चौदह सौ पंद्रह सौ बच्चे नहीं जुड़ते थे इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि बच्चे उसी टाइम जगते हैं है है ना जब नोटिफिकेशन आ जाता है। चलो जग गए हो तुम लोग अच्छी बात है ये जग गए हो अब कोई कसर मत छोड़ना इतनी लापरवाही जो आपने की वो अलग विषय है तो अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि वो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा मतलब अब आपको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है थोड़ा अथक परिश्रम चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू करते हैं भाई ठीक है तो स्ट्रेटेजी डिस्कशन के साथ हम शुरुआत करेंगे बाकी कुछ उसका उसके अलावा भी चीजें हम लोग यहां पे रखेंगे सवालों का भी डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजी डिस्कशन के साथ साथ पहला दिन है सवाल भी करेंगे अंदाज भी देखेंगे किस तरीके से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है किस तरीके से आपका जो आपका जुलाई अगस्त अगस्त में प्रस्तावित जो आपका भाई मेन्स की परीक्षा है उस मेन्स की परीक्षा से कैसे पार पाया जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे है ना प्रीलिम्स तो इसे प्रैक्टिस के साथ निकल जाएगा प्रीलिम्स में और विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स आपका इसे प्रैक्टिस के साथ निकल जाएगा चलिए थोड़ा और आगे

कोविड के पीरियड में जिन बच्चों ने शिद्दत के साथ मेहनत की मेंस उन्होंने क्रैक किया लिटरली बता रहे क्योंकि अनलॉक थ्री चल रहा था जब 31 अक्टूबर को आपकी प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम आया और 10 दिन बाद आपका 10 नवंबर आठ 9 नवंबर नौ या 10 नवंबर ऐसे आपका मेंस की परीक्षा कराई गई तो कौन क्या आप क्या पूरी लॉकडाउन में लापरवाही करने के बाद दस दिन में किसी ने मेंस क्वालिफाई किया नहीं दस दिन में किसी ने मेंस क्वालिफाई नहीं किया वो वही बच्चे मेंस क्वालिफाई किए जो मानसिक रूप से तैयार थे कि हाँ मुझे मेंस क्वालिफाई करना है और मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे थे ऐसे बच्चों ने क्वालिफाई किया उसके अलावा जरूरत होती कुछ बच्चों का अनफॉर्चुनेटली मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एस क्लर्क का प्रीलिम्स मेंस, रिजल्ट निकाल करके फिर निकालना, कुछ सारी जहर वाली बातें हम बोल देते हैं हमेशा ऐसे नहीं बोलेंगे आज पहले सुन लो कि भैया अगर तुम्हारा एस बी आई क्लर्क निकल जाता है तो बहुत उस्ताद मत बनना कि नहीं नहीं हम तो पीओ मेन्स एस बी आई पीओ ही ज्वाइन करेंगे निकल जाता है ज्वाइन कर लेना फिर निकालना तुम्हारे पास कोई पाबंदी नहीं रहेगी लिटरली बता रहे तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि दुख तुमसे ज्यादा मुझे होता है जब तुम मुझे ऐसे बताते हो ना मेरे साथ हुआ है हादसा है मेरे साथ ऐसा एक दो नहीं कई हादसे हुए हैं कि सर नहीं नहीं सर एस बी आई क्लर्क हम नहीं ज्वाइन करेंगे हमने बोला आ जाओ एक बार ज्वाइन कर लो यार है? नहीं सर हम नहीं ज्वाइन करेंगे फिर एस बी आई पी ओ मेन से निकाल लेंगे और फिर दुर्घटनाएं घटती हैं ऐसे तो ऐसे दुख मुझे फिर होता है, है ना तो दोस्तों हम आपको पहले ही सलाह देंगे अच्छे से करना एस बी आई क्लर्क का नोटिफिकेशन है अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करोगे निकल जाएगा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है है ना बस मेहनत करना हो जाएगा आराम से हो जाएगा ठीक है चलो तो अब शुरू करते हैं आप सभी छात्रों से उम्मीद है एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें अब स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमारे पास जो आगामी 45-50 दिन हैं उन पैंतालीस पचास दिनों में हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं देखिए दोस्तों आपकी जो भी टारगेट तो आपका अल्टीमेट क्या है फाइनल सिलेक्शन लेना अल्टीमेट टारगेट तो यही है अच्छा जी अगर अल्टीमेट टारगेट यही है तो पहले इसी पे हम बात कर लेते हैं ना फिर देखेंगे कि इसके कमजोर क्या होता है भाई आपका टारगेट तो यही है अब इसमें अगर हम एक सिंपल सा मैथ्स पोर्शन की ही सिर्फ बात करें हम सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे क्योंकि तो आप लोग लगातार अभी इससे पहले जस्ट पहले सौरभ सर का सेशन हुआ था इसके पहले उदिशा मैम ने सेशन लिया था उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से आपको सब कुछ बता दिया होगा हम थोड़ा क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस करेंगे किस तरीके से पेपर वगैरह आपको देना है तो मैथ्स पोर्शन की जहां तक बात है आपको किस पे फोकस करना है एस

तो ये हो गया दस नंबर ये पंद्रह नंबर ठीक है दो सेट डीआई बहुत रेयर ही क्लर्क एग्जाम देता है दो सेट डीआई की जहां तक बात है तो बहुत ही रेयर आपको क्लरिकल लेवल के एग्जाम में दो सेट डीआई बहुत रेयर ही देखने को मिला होगा आपको हमेशा जो देखने को मिलता है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आपको पांच प्रीलिम्स की बात करें अपने यहां पे प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं ना ठीक है अल्टीमेट टारगेट वो है पूरा का पूरा फोकस आपका इसी पे है आपको इी सब पे काम करना है आपकी जो व्यक्ति जो आपकी खुद की रूटीन होगी उस खुद की रूटीन में आपको क्या करना है पहले अपने अर्थमेटिक के इंडिविजुअल टॉपिक पहचानने की मेरे टॉपिक कौन से कमजोर हैं बड़े शॉर्ट में हम हम बड़े शॉर्ट में ही स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं आपको सरल शब्दों में बता देते हैं सरल शब्दों में सिर्फ इतना है कि आप पहले यह पहचाने है कि आपके कौन से टॉपिक कमजोर है अर्थमेटिक के और यह कैसे होगा आपके सामने डेली डिस्कस करेंगे ना मॉक आप ये पहचाना कौन सा अर्थमेटिक का सवाल आता है तो आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है कौन सा आपका क्या टाइम एंड वर्क का वो सवाल था जिसमें आपको दर्द

जो आपके सामने आएंगे भी है ना क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लर्क क्वालिफाई करके भी पीओ का टारगेट लिया क्लर्क नहीं ज्वाइन किया और वो सब पूरा एकदम हाँ है ना होता है जिम्मा लेके बैठे नहीं सर इस बार तो एस बी आई पी ओ ही निकलना बहरहाल <coughs> आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आप अपने अर्थमेटिक के टॉपिक को पहचानें कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं कल नोटिफिकेशन आया तो ये भी मैसेज बहुत सारे आए कि सर अभी पूरी तैयारी नहीं है अब क्या करें तो भैया उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हम बोल रहे हैं आप अपने मैथ्स में अर्थमैटिक के टॉपिक पहचान लो कौन सा टॉपिक कमजोर है मेरा ठीक है उन टॉपिक्स पे इंडिविजुअल मेहनत कर लो डेली के डेली तीस सवाल चालीस सवाल पचास सवाल लगाओ उन सवालों पर आप वीडियोज मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जीरो टू हीरो बैंकिंग की सबसे बड़ी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उस चीज को साढ़े तीन मिलियन तकरीबन चार मिलियन उस पर व्यूज है ऐसा नहीं कोई बहुत खतरनाक ऐसा कुछ वो ऐसी प्लेलिस्ट है जहां पे आप आसानी से चीजों को सीख सकते हैं तो उस प्लेलिस्ट को उठा करके अपने टॉपिक्स तैयार कर लो डेली तीस चालीस सवाल लगा के अर्थमेटिक यहां से आप अच्छा मजबूत कर लोगे ठीक है फिर डी के लिए डीआई क्रैकर का बैच मेरा है हाँ डी मैंने यूट्यूब पर बहुत नहीं पढ़ाई है लिटरली बता रहे मैंने मेन्स के लिए डी आई पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई है ठीक है तो आप पेट ज्वाइन कर लेना मेरा डीआई क्रैकर का थर्ड सीजन आ चुका है अभी पिछला सीजन आपने देखा था डीआई क्रैकर का जो सेकंड वाला वर्जन था उसमें आपने देखा था किस तरीके से डीआई मतलब जो सिलेक्शन हुए हैं उन उनकी बातें आप अगर वीडियो में देखे हो तो वो क्या क्या बोल रहे थे डीआई क्रैकर के बारे में आप सुन सकते हैं उस चीज को तो डीआई क्रैकर बहुत हेल्प करेगा आपको मेन्स के लिए तो दोस्तों इस तरीके से अर्थमेटिक आपका तैयार होगा इस तरीके से डीआई तैयार होगा और फोकस इन्हीं को लेकर चले हम आप सब लोग को सलाह देंगे ठीक है पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे तो है यार क्या परेशान हो अभी कितना टाइम हुआ है देख लेते हैं हम लोग नौ बज के उन्नीस मिनट हो रहा है छह मिनट मुझे और चाहिए नौ बज के पच्चीस मिनट से ताबड़तोड़ हम अभी प्रैक्टिस शुरू कर, शुरू करवा देंगे आपकी ठीक है आप सभी छात्रों से तब तक उम्मीद है कि एक बार खींच के सेशन को शेयर कर दे तकरीबन अभी तो दो हजार बच्चे हुए आप सभी से उम्मीद है एक बार खींच के शेयर कर दिया जाए जल्दी से देखो ध्यान से सुनना कि अर्थमेटिक के टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं और डीआई के लिए आपको मैंने बता दिया डीआई क्रैकर ठीक है अब बारी प्रीलिम्स की Literally बता रहे हैं अगर जो एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं उस डायरेक्शन से जाएंगे आप तो फिर इसमें कुछ नहीं है एक नमूना हम आपके सामने आज पहला दिन है आपके सामने रखेंगे किस तरीके से पेपर सेट आता है किस तरीके से प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और किस तरीके से आप किन चीजों पर काम करके प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं इजिली वो हम आपके सामने अभी यहां पे रखने वाले हैं तो आप सभी छात्रों से उम्मीद है कि आप देखें कि प्रीलिम्स में क्या क्या होता है देखो विटेज की बात करें

आप बैचेस ज्वाइन कर लो या फिर आप अपने पहले हाँ लिटरली बता रहे हैं आप बैचेस ज्वाइन कर लो दक्ष मेरा दक्ष प्लस आ चुका है अर्थोमेटिक के लिए वो ज्वाइन कर लो बिल्कुल टारगेट टारगेट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए पैंतीस सवालों के सेट में आप सेगमेंट पहचाने है ना सेगमेंट पहचाने कौन कौन से चीजें होती हैं स्पीड मैथ्स की बात करें अगर हम लोग स्पीड मैथ्स स्पीड मैथ्स मतलब जहां पे आपको ज्ञान ज्यादा नहीं मिलता आप ये पूरा -का पूरा का स्पीड मैथ्स क्या होता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है क्या क्या होते हैं इसमें इसमें आपके इसमें होते हैं सिंप्लीफिकेशन ठीक है भाई इसमें होते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन है भाई इसमें होते हैं आपकी नंबर सीरीज अच्छा जी इस, इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या इसमें आपको बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है कुछ नहीं लेकिन वेटेज की बात करें तो पैंतीस में से लो बीस नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम देख लेना हो सकता है आपको बस घुमाए फिराने के अंदाज में कुछ भी कोई बोल दे कि पंद्रह नंबर नहीं नहीं एस बी आई क्लर्क ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम देख लेना ये बीस नंबर का होता है पूरा पूरा दस स्पीड दस दस आपका सिंप्लीफिकेशन दस सिंप्लीफिकेशन पांच नंबर सीरीज और पांच क्वाड्रेटिक ये दो हजार बीस का पूरा लेखा जोखा है तो बीस ये मिलेंगे

तो इतना चीजें वो नहीं होती डीआई क्रैकर कब से स्टार्ट हो रहा है देखो डीआई क्रैकर आ चुका है थर्ड वर्जन आ चुका है ठीक है पिछली बार जब आपके मेन शुरू हुए थे लॉकडाउन के बाद तो मैंने डीआई क्रैकर का पहला वर्जन लाया था डीआई क्रैकर फर्स्ट आया सेकेंड आया लोगों ने पढ़ा सिलेक्शन हुए उसके बाद अभी क्या है कि फिर से है ना थोड़ा सा एग्जाम खत्म हुए तो मैंने कुछ दिन होल्ड किया था अभी थर्ड वर्जन आ चुका है तो दोस्तों ये है आपका प्रीलिम्स का का पूरा का, पूरा सेट और जैसा कि कि मैंने अभी आपको बताया बताया थोड़ी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले पहले क्या बताया? कि आज का जो सेशन रहने वाला है वो इस तरीके से होगा शुरुआत करते हैं देखो एक बात ध्यान रखना ये बीस आपके स्पीड मैथ के सवाल है यह सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं इस पे आपको क्या करनी घनघोर प्रैक्टिस करनी है क्या करनी है आपको घनघोर प्रैक्टिस घनघोर मतलब समझते हो ना अथक प्रैक्टिस टाइमर लगाओ दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दो अभी आपके सामने देखो तकरीबन 2200 बच्चे जुड़े हुए हैं और अभी आपको यहाँ पे हम कुछ सवाल देने वाले हैं पहले क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे फिर हम सिंप्लीफिकेशन आएंगे फिर एक आज के सेशन में क्या रखने वाले हैं हम लोग एक केसलेट करने वाले हैं ठीक है तो इस तरीके से और उसके बाद फिर अर्थोमैटिक तो आपके सामने इस तरीके से, से सेशन रहने वाला है और आप सभी छात्रों से उम्मीद है कि ताबड़तोड़ तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो जाएं तो आप सारे लोग तैयार हैं अब कमेंट बॉक्स में अब हम कमेंट बॉक्स थोड़ा और जूम कर देते हैं कमेंट बॉक्स थोड़ा सा और जूम कर देते हैं और हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है लिटरली बता रहे हैं अब सभी छात्रों से उम्मीद है जल्दी से इस सेशन को इतना शेयर कर दें कि बिल्कुल तकरीबन चार हजार बच्चे हम लोग के बीच में जुड़ जाएं क्योंकि अब हम यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं सेश, अपना आज का ये पूरा का पूरा जो सेशन रहने वाला है सबसे पहले स्पीड में ऐसे शुरुआत करेंगे कॉडनेटिक देख लेना सवाल आपके सामने आएंगे आज के इस पहले दिन से देखो पहले दिन घबराना मत कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है घबराना मत कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप ये देखना कि मुझसे अगर नहीं हो रहा है तो मुझे इस पर काम करने की जरूरत है एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कहां पर कमजोर है हम तो तैयार सारे लोग ठीक है तो तैयार है सारे लोग भाई शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे पहले जो हम लोग को मिलने वाला है वो अर्थमैटिक मिलने वाला है अर्थमेटिक से ही शुरुआत करें नहीं अर्थमैटिक्स नहीं अभी आज हम अर्थमैटिक्स नहीं यूजुअली डेली आप देखते होंगे अर्थमैटिक से ही शुरू करते हैं आज हम अर्थमैटिक्स से नहीं आज हम पहले क्वाड्रेटिक से शुरू करने वाले हैं लो डेली हमेशा रोज आप देखते हैं या तो डीआई से शुरू करते हैं या तो हम डीआई करते हैं या फिर हम अर्थोमेटिक करते हैं लेकिन आज पहला दिन है इसलिए आप पहचाने जाने पहले आज हम क्वेश्चन नंबर से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर से शुरू करने वाले हैं दोस्तों और हम यहां पे देखेंगे इस चीज को कि कितनी तैयारी है स्पीड मैथ्स में कितनी स्पीड है इतने बच्चों के बीच में कोशिश करेंगे अगर आप कि पहला आंसर मेरा आए तो एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कितनी स्पीड है मेरे अंदर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लीजिए आपका समय शुरू होता है तो शुरू किया जाए खींच के शेयर किया जाए दोस्तों चलो समय समय देखो पंद्रह पंद्रह सेकंड में हम आपको टाइम दे रहे हैं एक बार फिर से टाइम दे रहे हैं अब इसमें फाइट करो आप आप देखो एटलीस्ट आइडिया तो लगे जो जो सेगमेंट प्रीलिम्स में बीस नंबर का मिलता है उसमें आप अपने आप को अभी कहां पाते हैं अभी आप अपने आप को कहां पाते हैं ये फाइट होने वाली है ठीक है तो शुरू कर रहे हैं हम लोग सी ऑप्शन बताया जा रहा है अभी सी ऑप्शन बताया जा रहा है शब्दों को गौर से सुनना जो हम बोल रहे हैं फिलहाल अभी आपके सामने शब्दों को बहुत गौर से सुनना आप अपने आप को कहां पाते हैं उस सेगमेंट में जो कि दुनिया करती है देखो नेगेटिव पॉजिटिव को देख करके मैंने लिख दिया दोनों इक्वेशन के जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नेगेटिव को देख करके मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव इस बयालीस के माध्यम से तेरह पे जाना है तो सात और छे भाई सात और छह गुड़े बयालीस सात और छह जुड़ के तेरह तीस के माध्यम से तीस का ऐसा डिफरेंस बताओ कि एक आ जाए तो क्या मिलेगा छे और मिल गया कंपेयर मार दो दो स्टेप का सवाल होता है पूरा से से बड़ा है, इस से भी बड़ा है 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 इस इस भी ये छे मेरे दोस्तों इस छे के बराबर है। और छे इस से क्या जितने लोगों ने इसके उलट बताया वो गलत था आइए सातवें सवाल पे जल्दी से आज आपको दिखा मतलब पूछी जाती हैं किस लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं किस लेवल पे आपकी तैयारी है इसके माध्यम से पता चल जाएगा बाकी तो फिर अर्थोमेटिक डीआई ये सब कुछ तो कल से शुरू हो ही रहा है है ना अर्थोमेटिक हुआ डीआई हुआ ये सब तो कल से जैसे अभी आपने देखा एक से पांच अर्थोमेटिक ही था लेकिन फिर भी आज हम स्पीड में से ही शुरू कर रहे हैं तो देखा जाए किस लेवल पे तैयारी है अभी आपकी बहरहाल अभी आप इस इक्वेशन के साइन भी देखें पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे है ना ये छे लिखा है जोड़ने पे पांच चाहिए तीन और दो तीन और दो को मल्टीप्लाई करोगे छह आएगा तीन दो जोड़ोगे पांच आएगा दो लिखा है यहाँ पे तीन चाहिए क्या मिल गया आपको दो और एक मिल गया ठीक है भाई आइए कंपेयर करते हैं जब भी नेगेटिव नेगेटिव को कंपेयर करना हो भाई तीन और दो को कंपेयर तीन दो से बड़ा है ना तीन माइनस हटा के बात करते हैं तीन दो से बड़ा है लेकिन माइनस है इसलिए तीन छोटा होगा अभी तीन एक से बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा होगा अभी ये दो क्या है कि इस दो से दो से क्या दिख रहा है बराबर और दो एक से बड़ा दिख रहा है इसलिए छोटा होगा तो जवाब एक्स लेस और इक्वल टू आई के बराबर ऑप्शन नंबर डी सबका आ चुका है अभी वही करना अभी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप इसमें देखो कि आपसे कितनी चीजें हो पा रही हैं कितनी चीजें नहीं हो पा रही हैं इसके बाद सिंप्लीफिकेशन दस जज कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक या केसलेट कोई एक कर लेंगे ठीक है भाई आठवां सवाल जल्दी से खींचे किया जाए अभी ये आसान है सब लोग कर सकते हैं इसको जल्दी से <coughs> ठीक है भाई समय समाप्त हो चुका है अभी आंसर कितना दिख रहा है अब अब जो होर दिखेगी ये तुम्हारे एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स हैं सोचो तो कितने लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे है ना और तुम इस 2400 सौ लोगों के बीच में अपने आप को बेचारा टाइप में मत महसूस करवाना लिटरली बता रहे हैं खुद को बेचारा मत महसूस करवाना

ये लीनियर है इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा प्लस का 26 ठीक है अभी क्या है है कि 25 जो है वो 26 से ऊपर देखो तो 25 जो है वो 26 से छोटा दिख रहा है लेकिन ये नेगेटिव की वैल्यू इससे फिर क्या दिख रही है छोटी दिख रही है इसलिए मेरा जवाब क्या रहा एक्स लेस देन वाई आपका जवाब कितने के बराबर आ गया ऑप्शन नंबर बी कहो हाँ ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है सारा? चलो बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाते हैं दोस्तों किया जाए अभी आज सिर्फ और सिर्फ पहला दिन है इसलिए थोड़ी सी बीस सवाल जिस सेगमेंट से पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल से ताबड़तोड़ पेपर स्टार्ट होगा ध्यान रखिएगा सात बजे इंग्लिश की क्लास आठ बजे रीजनिंग की क्लास और फिर नौ बजे मैथ्स ठीक है स्पीड के साथ दोस्तों कमॉन अभी फिलहाल देखते हैं पे कितना लिखा है यहाँ पे इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स ठीक है भाई प्लस ट्वेंटी एक्स अच्छा जी वाह बेटे बढ़िया है अभी बात बताओ दोनों एक्स में ही है ना तो क्या आप ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर नाइन इधर घटा दो तो ये हो जाएगा हमारा कितने के बराबर प्लस का ग्यारह एक्स और बराबर जीरो आप में से ज्यादातर छात्र क्या करेंगे भाई यहां पे एक्स को पावर से टर्मिनेट करके एक्स की वैल्यू लिख देंगे माइनस ग्यारह है भाई देखो अलग अलग आंसर आप सबको दिख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं करना होता आप एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस इलेवन और बराबर जीरो के ठीक है भाई अब इस जगह पे देखो तो एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर आई फिर माइनस इलेवन आ गई देखो आपको दिख रहा कि नहीं

हाँ, कैलकुलेशन की स्पीड क्या है आपकी गलत गलत आंसर बता रहे बच्चे ये कह रहे हैं कुछ लोग की कंफ्यूज कर रहे हो यार जल्दी शाबाश चलिए भाई समय समाप्त हो चुका है समय समाप्त हो चुका है ठीक है अभी जरा ध्यान से देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे छे का मतलब इधर कितना लिखा है तीन है भाई 6 का ऐसा फैक्टर बताओ जिनका जिनको जोड़ने पर तीन आ जाए हमें कुछ गलत लिखा है क्या 6 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर तीन आ जाए कुछ नहीं मिल रहा अच्छा आंसर फिर भी ताबड़तोड़ बता रहे हो ये अपने आप में अच्छी बात है, है भाई? छे के ऐसे ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे तीन आ जाए और आप लोग ताबड़ तोड़ एंसर बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि छह के दो ही फैक्टर होते हैं या तो छह गुड़े एक छे और या तो तीन गुड़े दो छे दो ही फैक्टर होते हैं तो इस सवाल को हम लोग रोक लेते हैं इस सवाल को स्किप कर देते हैं है ना क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स आपसे मतलब कि नॉर्मल रूट नहीं आएंगे है भाई हाँ क्या विचार है आपका अच्छा साइन मेथड ओके नेगेटिव पॉजिटिव इधर कितना लिखा पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव अच्छा इसके माध्यम से बता दिए ये तो बड़ी होशियारी दिखा दी आपने हाँ बिल्कुल सही बात है साइन से आप आंसर निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी वाई से ये बात बढ़िया आपने कही भाई एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है वाई की दोनों वैल्यू नेगेटिव है इसलिए हमारी एक्स की वैल्यू बड़ी होगी चलो बहुत अच्छी बात है बाकी अगर किसी ने इसकी रूट निकालने की कोशिश की तो फिर क्या होगा आप फिर नहीं कर पाएंगे फिर है ना बिल्कुल सही बात जबरदस्त साइंस से ही हमने इन दोनों का आंसर निकाल के रख दिया ठीक है तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं टाइपिंग मिस्टेक नहीं इसके रूट निकालने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए शायद यह सवाल आपको दिया गया था बहरहाल हो चुका दस सवाल क्वाड्रेटिक अब एक बात बताओ ईमानदारी से सारे लोग के कमेंट बॉक्स हम देखना चाहेंगे बीस सेकंड का मैंने हर सवाल पे टाइम दिया ठीक है, बीस सेकंड का हर क्वेश्चन पे टाइम था बीस सेकंड पर क्वेश्चन ठीक है, और सवाल थे मतलब 100, 100 100 100 मतलब कितना चालीस सेकंड यानी क्या आप ईमानदारी से बताओ क्या आप डेढ़ मिनट के अंदर क्या डेढ़ मिनट के अंदर पांचों सवाल निपटा सकते कितने लोगों का टाइम के अंदर सॉल्व हो गया हम यही जानना चाहते हैं कि पांच सवाल टाइम के अंदर कितने लोगों ने सॉल्व किया जल्दी से बताओ खटाक से हाँ भाई जल्दी बताया जाए चार सवाल सॉल्व हुए अच्छा पांच के पांचों सॉल्व हो गए अब बताओ डे वन पे यही सब तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कशन का पार्ट है लिटरली बता रहे हैं, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कशन का पार्ट है जितना कुछ आज करने वाले हैं अब आप खुद आइडिया लगाइए कि पांच इक्वेशन के लिए आपने कितना टाइम दिया डेढ़ मिनट अरे हम कह रहे हैं बहुत सुस्त हैं आप फिर भी दो मिनट के अंदर तो कर जाएंगे ना और अगर दो मिनट से भी ज्यादा टाइम अगर आप पांच सवाल के लगा के लिए लगा रहे हैं तो मान के चलिए आपको बहुत परिश्रम की आवश्यकता है अगले दस दिन के लिए अपने आप को भुला के भाई कुछ ओ, क्रिकेट खेलने तो नहीं जाना ना मूवी देखने तो नहीं जाना ना किसी व्यक्ति विशेष मात्र से मिलने के लिए पार्क तो नहीं जाना ना तो अब क्या करने वाले हैं आप ताबड़तोड़ अपनी पूरी एनर्जी अपने बंद कमरे के अंदर इन चीजों पर लगाने वाले हैं है ना करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में मुझे आग दिखनी चाहिए आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए ऐसा

बहुत ही छोटे छोटे हम आपको रॉकेट साइंस करवा के आपको इंप्रेस नहीं करने वाले ये मत सोचो हम आपको खतरनाक सा। आप सोचो गजब पढ़ाता भाई वाह ये सवाल तो हम देखे नहीं आज तक ये सब मत सोचना एक्चुअल में जो क्लरिकल लेवल का एग्जाम होता है वो टच हम आपको यहां पे दिखाने वाले तो किस टाइप के क्लरिकल लेवल के सिंप्लीफिकेशन आते हैं उसका एक नमूना रखने चल रहे हैं दस सवाल होंगे ठीक है भाई दस सवाल होंगे तैयार रहना सारे लोग लीजिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही छोटे छोटे नॉमिनल सवाल हैं पूरी एनर्जी के साथ अब दिखा देना अब दिखा देना कि हाँ कैलकुलेशन आप ही की स्ट्रांग है है ना उन लाखों लोगों की नहीं उन लाखों लोगों की नहीं जो फॉर्म भरेंगे आप जो फाइट कर रहे हो टाइमर स्टार्ट पंद्रह सेकेंड ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा Concept, concept बता देना यार तुम हमें जनवरी से तुम फाउंडेशन पढ़ा खत्म कर दिए भैया जीरो डी ऑप्शन जेब बात हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं यहां पे देखो नाम भी लिख दे रहे हैं है ना एक बच्चा है यहां पे एक रॉय आप सब लोग जब अपना आंसर टाइप करना तो जरा देख लेना इस बच्चे का नाम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए हमने टारगेट दे दिया इतना बड़ा टारगेट बताओ आप इस बच्चे को पीछे कर दो अब ये है कि वो बच्चा कहीं है ना उस मतलब वो उसके कदम ना डगमगा जाए तो हमने एक टारगेट भी दे दिया है इस बच्चे को आप पीछे छोड़ देना तो आप मान लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है चलो भाई इस सवाल पे आते हैं जरा तीन से डिवाइड मारो तीन दूना ना छह सात में छह घटाओगे चार बारह और तीन पचे पंद्रह बगल में लिखा हुआ फाइव एक्स लिखा हुआ है इस पांच से कैंसिल करेंगे तो पांच चौक बीस और पांच गुड़े नौ पैंतालीस फोर्टी नाइन आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी खत्म कहानी खत्म फोर्टी नाइन सबका आ चुका है चलिए अगला सवाल अभी आप सभी छात्रों से उम्मीद देखो आप खींच के परफॉर्म करने ही वाले हैं हम सारे लोग और आप सभी छात्रों से उम्मीद भी है एक बार बस दो सेकंड दस सेकंड का वेट करते हैं एक बार आप लोग अपनी चैट थोड़ा सा बंद करके एक बार सेशन को लाइक टच कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि बिल्कुल खींच के परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी उम्मीद है कि एक बार छोटा सा काम करो चैट ऑफ करो बगल में लाइक बटन है टच कर दो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है ना यार है ना वरना हम भी आराम से घर में बैठ के आराम से ए सी चला के बिंदास टाइप में सेशन ले रहे होते क्या जरूरत थी मुझे स्टूडियो आने की तो थोड़ा आपसे भी प्यार की उम्मीद होती है हमें एक बार सेशन को सारे लोग लाइक टच करते हैं जल्दी से और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं अब खींच के शुरुआत करते हैं बारहवा सवाल लीजिए चलो साबाश अर्थोमेटिक वीक है पढ़ो यार का वीक होगी है सब कुछ तो यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा है जीरो टू हीरो को उठा के देख लो समय समाप्त हो गया भाई कितना सुस्त हो गए तुम लोग यार हैं इतना सुस्त कैसे हो गए अरे बारह का स्क्वायर एक सौ चवालीस होता है कि नहीं होता ट्रिक नहीं रटा रहे कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोचेस देखो ट्रिक कोई नहीं रट रहे हो आप प्रैक्टिकल अप्रोचेस देखो कहां पे आपको कहां पे कहा कैसे क्या करना ये नौ आया नौ गुड़े पांच पैंतालीस हुआ और ये पैंतालीस और ये एक सौ तो पचपन मिलकर क्या दो सौ हो गया बताओ दो सो कहा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में खत्म बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसमें है भाई चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन जल्दी से उड़ा दिया जाए साबाश <clears throat> चलो भाई समय समाप्त हो चुका है अभी इस जगह पे आते हैं आप लोग 28% परसेंट एक बात देखना ध्यान ध्यान से हमेशा ध्यान रखना कभी भी कुछ थोड़ी बहुत भी जानते रहे। दिखे तो निगाहें डबल जीरो। डबल जीरो तो लाने की व्यवस्था करना और दिख जाए तो सीधा टर्मिनेट कर देना अट्ठाइस पंचायत माइनस एक सौ बीस ये डिफरेंस कितना आएगा बीस बराबर एक्स डिवाइड बाई थ्री लिखा हुआ है तीन गुड़े बीस साठ ऑप्शन नंबर बी खत्म ये देखो सवाल बहुत आसान है आपको भी पता है, हमें भी पता है फिर भी क्यों ऐसा कर रहे हैं हम बस इसलिए कि आप पहले दिन अपने आप को आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन मात्र है आज पहले दिन अपने आप को जज कर लें कि कितनी स्थिति है आपकी और आगे कितनी करने की आवश्यकता है जल्दी शाबाश हाँ भाई समय समाप्त हो चुका क्या आपको लग रहा है कि वही चीज है अरे परसेंटेज का मतलब डबल जीरो टर्मिनेट सो बीस आ गया प्लस 30 का स्क्वायर 900 होता है जी हाँ बिल्कुल सही बात है, है। बराबर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है अब एक बात बताओ ये तो टर्मिनेट होने से रहा बारह गुड़े नौ कितना होता है इक्कीस दो सौ दस डिवाइड बाई फिफ्टी वन हो गया और तीन से काटेंगे नीचे सत्रह आएगा ऊपर कितना आ जाएगा सत्तर आ जाएगा सेवेंटी डिवाइड बाई सेवेंटीन हो गया यानी ऑप्शन मिस्टेक सेवेंटी डिवाइड बाई सेवेंटीन ऑप्शन मिस्टेक बीस आ रहा है क्या हमने कुछ गलत किया क्या क्या हमने कुछ गलत किया या फिर कुछ ऐसा कुछ लोचा है बीस बीस सारे लोग बता रहे हैं इसका मतलब हमने ही गलत किया है भाई चौबीस पंचे एक सौ बीस प्लस तीस का स्क्वायर नौ सौ ठीक है और डिवाइड बाई फिफ्टी वन तीन से काट दिया सत्रह ऊपर सत्तर सत्तर बटे सत्रह कहा निकाल रहे हो तुम लोग ऑप्शन बी कैसे क्या हम कहा मिस्टेक कर रहे हैं यार है भाई हमको तो ये कुछ अलग दिख रहा है तुम्हें कैसे कुछ ऑप्शन बी सबका आ रहा है और यार तो हम कहा मिस्टेक कर रहे हैं परसेंटेज डबल जीरो को काटेगा चौबीस पंचे एक सौ बीस हो गया प्लस तीस का स्क्वायर नौ सौ होता है, है भी? अच्छा अच्छा, अच्छा ओके डिवाइड बाय 51 अच्छा मैंने जोड़ गलत दिया ठीक है एक जीरो और 12 21, और नौ मिलके इक्कीस दो सौ और डिवाइड बाय 51 वन तीन से कैंसिल कर दिया सत्रह आ गया तीन से कैंसिल अमे यार हम कर क्या रहे हैं ये 900 में 120 जोड़ रहे हैं तो हम बार बार 210 लिख दे रहे हैं एक जीरो नब्बे और बारह दो आएगा नौ दस हद है भगवान है ईश्वर इसको क्या बोलते हैं इसको 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 भावनाओं में बहना नहीं कहते इसको भावनाओं में अच्छा ईमानदारी से बताना ये कैसे हो रहा था ये इसको कह रहे थे मतलब बारह नो इक्कीस इसको लपक के मतलब भावनाओं में एकदम बह जाना है ना हाय राम आइए जल्दी से आइए फटाक से अगले क्वेश्चन पे जल्दी स्पीड के साथ वाह शांतनु शुक्ला वाह है ऐसा बन, मतलब ऐसा बोलने का मन कर रहा है कि नहीं कि वाह शांतनु शुक्ला वाह है चलिए जल्दी से एक बार खींच के शेयर करें आप सारे लोग पहले तीन हजार के ऊपर बच्चे हम लोग के बीच में जुड़े जल्दी से आप सभी छात्रों से उम्मीद है ये भाई ये परसेंटेज छोड़ो यार कितना करने की जरूरत हमें बारह का आधा छह लो तीन हो गया बराबर एक्स और ये परसेंटेज डबल जीरो को टर्मिनेट करके बारह घुड़े पंद्रह क्या कर दिया एक सौ अस्सी कर दिया चलो ये भी सही रहा छे सौ में तीन सौ घटाओ तो कितना आता है तीन सौ और बीस और घटा दो तो दो सौ अस्सी आता है और दो सौ अस्सी में ये एक सौ अस्सी घटाओगे तो सौ आता है दोस्तों ऑप्शन ए खत्म जब बात अब दिखे रहा बिल्कुल शानदार क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपकी स्क्रीन पर चलो खींच के जल्दी से इसको भी उड़ाया जाए जल्दी शाबाश <coughs> समय समाप्त हो चुका है फिर से टाइम दे रहे हैं है, इसमें आप लोग थोड़ा सा सुस्त पड़ रहे हैं ठीक है भाई चलो समय समाप्त हो रहा है अब जरा ठीक है अब देखो ध्यान से ये पचास परसेंट एक बटे दो होता है कितना लिखा है दोस्तों छह सौ चालीस के बराबर इतनी सी बात है, है भाई? इतनी सी ही मात्र तो बात है क्या ऐसा नहीं लग रहा है कटा और दो पंचे दस का मतलब एक जीरो बढ़ के चौसठ सौ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम ट्रिक रटने से हट करके अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएं कि आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट क्या स्ट्राइक किया उसको बिछा के करने की कोशिश करें तो कई दफा चीजें ज्यादा सरल हो जाती हैं <laughs> जल्दी शाबाश <laughs> ठीक है भाई समय समाप्त हो चुका है ओके आंसर आया किसी का ऑप्शन सी चौसठ सौ पे ही आप लोग अभी बात कर रहे हैं एक मैंने आपको टारगेट दिया था उस टारगेट से कितनी दफा आप लोग ऊपर निकल पाए हैं उस्ताद बच्चा है वो ऐसे चलो बहरहाल कोई बात नहीं सेवेंटी वन एट्टी प्लस सेवनटी वन माइनस वन फोर्टी फोर और बराबर यहां पर लिख दिया मैंने क्या कि क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है अच्छा जी अब एक बात बताओ ये इतना क्या हुआ क्या 151 दिख रहा है और 151 में 144 घटाओगे तो 7 आएगा और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज रूट एक्स तो एक्स की वैल्यू 343 के बराबर हो जाएगी देखो आज लिटरली बता रहे हैं आप इस चीज को आप इस चीज को जज करें यार कि क्या आप कहां पे मात खा रहे हैं है ना आज उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सेशन एक इंट्रोडक्टरी एक एक इंट्रोडक्शन मात्र आप इस चीज को जज करें कि आप कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग जोन है कहां आप मात खा रहे हैं है ना चलिए बहरहाल अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपकी स्क्रीन पर रहा है, दोस्तों खींच के -खी जाए जल्दी से फटाफट से है ना चल जल्दी साबाश ठीक है भाई समय समाप्त हो चुका है अब एक बात बताओ 25 स्क्वायर माइनस पंद्रह स्क्वायर चाहे तो आप a प्लस बी ए माइनस बी करें अगर a प्लस बी करेंगे 25 15 40 25 में 15 घटाएंगे 10 40 गुड़े दस, दस चार आप किसी के मन में यह स्ट्राइक किया किसी ने यह किया कि भाई चलो उसने ऐसा कर दिया इसका जवाब हालांकि दस आप सब नहीं अब कुछ लोग ऐसे की होंगे चलो ठीक है कि पच्चीस छह सौ पच्चीस फिर दो सौ पच्चीस घटा दिया कितना आ गया दोस्तों ये ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी कितने के बराबर चार सौ के बराबर ये पूरी वैल्यू आ गई चार सौ स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिख गया चार सौ और डिवाइड बाई कितना लिखा है दोस्तों कितने के बराबर चार के बराबर और बराबर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है कि पूरे के अंदर स्क्वायर रूट है ये है ना पूरे के अंदर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है

बाकी फिलहाल ना तो दस ऑप्शन में है ना तो सौ ऑप्शन में इसलिए नन ऑफ दिस ही आपका करेक्ट आंसर है अठारहवें सवाल पे आ जाओ ज़्यादा वक्त किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिस्कस करने में ना लगाएं है।, है ना चीजें इतनी ये कोई बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ नहीं है कि ज्योति पटेल तुमको बहुत हंसी आ रही बिटिया हैं कुछ मतलब अगर थोड़ा वो टाइप मिस्टेक हो गया तो खूब हंसने लगती हैं चलो शाबाश उड़ा के एकदम जिब बात समय समाप्त हो चुका है अब देखो कई दफा ऐसा होता है ना कई दफा दोस्तों ऐसा होता है कि एक से ज्यादा डिवाइड आ गए आपके एक्सप्रेशन में कई दफा ऐसा होता है एक से ज्यादा डिवाइड दिख गए तो ये ये डिपेंड करता है 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 कि आपको बोर्ड मास की समझ कितनी है। है ना अभी मान लो कि जैसे यही सवाल है इसमें दो टाइप के आंसर दे सकते हैं बच्चे है ना दो टाइप के अभी आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे तो समझ आ जाएगा बहरहाल इस सवाल को अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं एक ठीक है और डिवाइड बाई चौदह था तो मल्टीप्लाई करके वन अपॉइंट फोर्टीन लिख दिया यहाँ पे भी डिवाइड बाई कितना है डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके वन बाई थ्री लिख दिया अब आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल सकता है आप चौदह से टर्मिनेट करेंगे चौदह कम चौदह ये हो गया और तीन से कैंसिल करेंगे तो आपका जवाब चार आ जाएगा देखो क्या है कि इस सवाल मात्र ही वो माध्यम नहीं है तो चलो ठीक है चार आपका ऑप्शन आ चुका है इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा समझना एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बोर्ड मास पे कितने आपकी पकड़ है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है जरा ध्यान से देखना एक चीज का जवाब देना अगर कहीं पे हम ये लिख दें 16 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 और हम आप सभी छात्रों से पूछ ले जरा कुछ चीजें सीख भी लिया जाए आज पहला दिन है ज्यादा बहुत है ना हम लोग को हर चीजें जाननी है अब एक बात बताओ कि क्या इसका ऑप्शन दोस्तों क्या इसका ऑप्शन आठ है या फिर इसका ऑप्शन पॉइंट है हम ए और बी में से आपका ऑप्शन जानना चाहते हैं चलो कुछ चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से खींच के आंसर बताना सारे लोग हाँ वो छोटी सी बात आपके सामने रख रहे हैं कई दफा ऐसा होता है कि बोर्ड मास पे फिसलना लाजमी हो जाता है आप जानते तो हाँ ठीक है पहले डिवाइड तो वन बाइट देखो आप खुद देखना सारे लोग के सामने लाइव चैट चल रही है है ना तो दो टाइप के आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कुछ लोग पॉइंट बता रहे हैं और इवन ज्यादातर पॉइंट बता रहे हैं कुछ लोग आठ भी बता रहे हैं अच्छा एक बात बताओ हम जानते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मुझे डिवाइड करना होता है तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि पहले डिवाइड कर दिए तो दो आ गया और यहाँ पे बाद में कितना लिखा था डिवाइड बाई तो माध्यम से मेरा आंसर पॉइंट एक बटे दो आएगा लेकिन जरा थोड़ा इस पर भी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार, विचार करें दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करें कि यार डिवाइड ही तो पहले करना होता है ना डिवाइड ही तो पहला पहले करना होता है तो क्या हम इसको नहीं पहले डिवाइड करते क्या हम इसको नहीं पहले डिवाइड कर सकते ईमानदारी से बताओ क्या किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया क्या किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि हमने पहले समझा दिया था इसलिए आपने डायरेक्ट बता दिया आंसर पॉइंट फाइव होगा भाई हो सकता है आपके मन में आया कि पहले हम डिवाइड इसको करेंगे तो आपके मन में आ गया सोलह डिवाइड तो बाई टू आपने इसका आंसर है तो ऐसी आपके साथ दिक्कत ना हो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखने कि जब भी डिवाइड दिया जाए एक से ज्यादा डिवाइड जहां दिखे वहां मल्टीप्लाई करके नंबर को इन्वर्स कर दिया करें ठीक है ऐसी कंट्रोवर्सी कई जगह देखने को मिलती है मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया सिक्सटीन डिवाइड बाई है भाई और यहां पे मैंने लिख दिया एट और फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया दोस्तों 5 माइनस थ्री ऐसे लिख दिया है भाई ऐसे लिख दिया और फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताएं जल्दी से फटाफट दो ऑप्शन हमने आपको दे दिए हमने आपसे कहा कि बताइए क्या इसका जवाब दोस्तों एक होगा है भाई क्या इसका जवाब वन होगा या फिर इसका जवाब दोस्तों फोर होगा आप जल्दी से यहां पर बता दो आप देख लेना इसी पे बोर्ड मास पे कितनी पकड़ है आपकी और लाइव चैट आपके सामने है बच्चे खुद ब खुद बता देंगे कितनी कंट्रोवर्सी है आप लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के दो तो आंसर नहीं होगा हमने तरीका बता दिया जब भी कभी डिवाइड दिखा करें ना दो आंसर नहीं होगा एक ही आंसर होगा पॉइंट फाइव उस सवाल का सही जवाब था डिवाइड दिखे मल्टीप्लाई करके खट से वन बाई फोर्टीन और यहां डिवाइड दिखा मल्टीप्लाई करके वन बाई थ्री तो उसका आंसर क्या होगा वो सबको पता चल गया अब आप सारे लोग देख सकते हैं यहां पे दो जवाब दिख रहे हैं कुछ लोग वन भी बता रहे हैं कुछ लोग फोर भी बता रहे हैं है ना कंट्रोवर्सी दिख गई हम इसी चीज के लिए ये पॉइंट आपके सामने रखे तो सारे छात्र इस चीज को ध्यान में रखें हमेशा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लिखा हुआ सवाल और इसी के जस्ट ऊपर ये लिखा हुआ सवाल दोनों एक ही लग रहा होगा ईमानदारी से बताना जबकि ध्यान रखना ये दोनों सवाल दोस्तों अलग अलग है ये दोनों सवाल आपके अलग अलग है यहाँ पे ए, आप जानते तो अगर कुछ ना साइन लगा तो मल्टीप्लाई होता है लेकिन सवाल में आपके सामने मल्टीप्लाई नहीं लगाया गया ना और अगर सवाल में मल्टीप्लाई नहीं लगाया गया तो ध्यान रखिएगा कि दिस एट इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रेकेट और पहले आप ब्रेकेट सॉल्व करते हैं तो इस सवाल का जो आंसर होगा ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इसमें क्या है कि पहले आप ब्रेकेट सॉल्व करेंगे और एट को इसके पार्ट में रखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ध्यान ध्यान से देखें इसका जो आंसर होगा ये एट को पहले आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिखा दोस्तों सोलह फिर डिवाइड बाई और जब ब्रेकेट के साथ में सोल्व करो पांच में तीन घटा दिया दो, दो गुड़ी आठ कितना हो गया सोलह तो सोलह डिवाइड बाई सोलह दोस्तों इस सवाल का जवाब कितना होगा वन तो ये जो आपके सामने है इसका जवाब कितना होगा वन लेकिन जैसे ही आप ऊपर वाला सवाल देखते हैं ऊपर वाला सवाल ये वाला तो इस जगह पे पे क्या होता है है ये ये जो आपके सामने पोर्शन लिखा हुआ है, यहां पे एट के बाद मल्टीप्लाई करके उसने बात जाहिर कर दी कि सोलह मतलब तो लगाया और पांच में तीन घटाया तो वैल्यू दो आ गई और दो गुण वैल्यू कितने के बराबर चार समझ आ गया ईमानदारी से बताना कितने छात्र ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता थी अब समझ आ गया ना तो दोनों में अंतर है है ना देखने में भले लग रहा है कि हाँ ठीक है एट और बात तो वही है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कई दफा हमसे हो जाती है और हम अंदर से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरा आंसर तो सही है लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आंसर मेरा सही नहीं होता अगर चीजें अच्छी लगी हो दोस्तों तो हम सभी छात्रों से उम्मीद करेंगे एक बार सेशन को लाइक टच करके है ना एक बार लाइक टच करके अपना थम्सअप दे करके एक बार बताएं कि हाँ ठीक है सर कुछ थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास में ही आपके है ना थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिल गया हाँ ठीक है ऐसा भी हो सकता है बहरहाल आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर लिखा जल्दी किया जाए <coughs> जल्दी शाबाश <coughs> चलिए <coughs> समय समाप्त हो चुका है अच्छा पता था होशियार तो हो ही तुम अभी ग्राम प्रधान का इलेक्शन खत्म हुआ है जल्दी पता चला कि आप इलेक्शन में फाइट किए थे बहरहाल कोई बात नहीं कितने वोट ये बताना जरा मिलेगी चौसठ परसेंट एक्स ग्राम प्रधान के इलेक्शन में तो कई दफा ऐसा होता है हाँ, सही बता रहे छह लोग का परिवार होता है उसमें ही चार चार मात्र वोट मिले हैं ऐसा भी हो जाता है है ना 64 और यहाँ पे जरा देखा जाए छोड़ो इसको हटाओ चौसठ परसेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिक्सटी फोर डिवाइड बाई हंड्रेड है ना एक आदमी बोल रहा था कि देखो भैया ऐसा एक हम तुम्हें वोट दिए हम आप ही को वोट दिए हम आप ही को वोट दिए वो आदमी सुबह सुबह जमानत जब्त हो गई थी एकदम बुरी तरीके से हारा था इलेक्शन का जिसने रिजल्ट आया है भाई और सामने वाला पड़ोस का काहे परेशान है, है मिश्रा जी हम तो आप ही को वोट दिए थे आदमी मुंह रहा था कंटाफ मार दिया उसको भर से है कह रहे चार आदमी परिवार है फिर भी दो वोट मिले हैं हम ये ढूंढने की कोशिश में लगे कि हमारे कौन सा ऐसा इंसा इंसा इंसान है जो हमारे घर में बैठ के हमारा ही खा रहा है और हमको वोट नहीं दे रहा आ जाओ इस सवाल से तो तो फाइव और, मिल एट हो गया, और चार मिलकर छिहत्तर हो गया चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं हाँ तो ये वैल्यू पच्चीस के बराबर आएगी और ये हो जाएगी सोलह के बराबर से पूरा टर्मिनेट करें तो सोलह गुड़े चार चौसठ होगा और सोलह पंच होता है सोलह गुड़े चार चौसठ होगा छिहत्तर में चौसठ घटाओगे तो सोलह अट्ठे एक सौ अट्ठाईस अच्छा जी अगर आपके पास बचा कितना है आपके पास कितना बचा दोस्तों आप कहोगे यहां पे मेरे पास जो बचा है वो बचा है एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव और बराबर कितने के के 48 के। तो यानि कि आपको पता चल गया 25 25 को 48 से मल्टीप्लाई करना है 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 तो एकस, 25 बारा, बारा तो तो x 1200 मेरे दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर दिख रहा है सबका आ चुका चलिए बहुत शानदार सवाल तो अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कहां पे मिस्टेक है काम करने वाले चलो फटाफट से जल्दी 64 अपॉन 100 कहां से आया ये हड़प्पा खुदाई देखो सुने थे तुम हां राखलदास बनर्जी खोज किए थे उसमें क्या है कि मनका बनाने कारखाना स्वास्तिक चिन्ह हाँ और एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी उसके जस्ट बगल में 64/100 इसे प्रिंटेड था हालांकि उस समय नहीं पढ़ा जा सका और अभी तत्काल प्रभाव में पढ़ा गया तो वही से निकल के आया 64/100 हमें चौसठ परसेंट लिखा था चौसठ परसेंट का मतलब क्या होता है चौसठ बटे सौ होता है ऐसा मत पूछा करो कहां से आया बहुत ऑकवर्ड सवाल होता है ये से आया प्रकट थोड़े हो गया अवतार थोड़े हो गया उसका लिखा होगा कुछ उसी बेस पे आया अभी यहाँ पे आ जाते हैं छत्तीस परसेंट का मतलब कहते तो छत्तीस बटे सौ कहां से आया कहां से आया पूछोगे तो हम ऐसे बताएंगे आपको कहां से आया बगल में कितना लिखा है एक सौ अस्सी चलो ठीक है भाई पॉइंट अच्छा, फोर लिखा है तो डिवाइड है अगर तो मल्टीप्लाई लगा लगाकर केन अपॉन पॉइंट फोर लिख सकते हैं upon लिख दिया, चलो ठीक है भाई अच्छा आप सब लोग जानते हैं पॉइंट अगर यहां से हटाएंगे दोस्तों तो यहां पे हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा लो भाई तो कमी किसी जीरो की नहीं है हम बढ़ा देंगे खटाक से अब अच्छा बढ़ा दिया फिर क्या हुआ फिर ये दोनों जीरो ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ चार से कैंसिल हुआ नौ और ये नौ और अठारह मल्टीप्लाई होकर वन हो गया जय हिंद जय भारत टाइप में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा ठीक है तो इस तरीके से ये बीस सिंप्लीफिकेशन के सवाल करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको अपनी कैलकुलेशन में क्या करना है आज ये पूरा का पूरा ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको आज बहुत खतरनाक पढ़ा टाइप में रहे नहीं ये एक हमारी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है इस पर्टिकुलर सेशन से आप इस चीज का आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है अगर 20 स्पीड मैथ्स का पोर्शन 2020 में पूछा गया था तो 2021 में इवन 2020 का दो हजार के भी उठा के देखो तो 15 सिंप्लीफिकेशन और पांच आपके सामने क्या नंबर सीरीज या कोर्डनेटिक अदर बदल के दिए थे पंद्रह सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में आईबीपीएस क्लर्क ने पूछा था एसबीआई क्लर्क ने बीस पूरे के पूरे स्पीड मैथ्स पूछे थे तो ये वो पोर्शन है जहां पर हर कमजोर व्यक्ति भी मेहनत कर सकता है, है भाई हर कमजोर व्यक्ति भी तो आप इस चीज को पहचाने मिस्टेक कहां से है किस पे मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों आइए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं अर्थोमेटिक है। आप पांच सवाल के करें आपको आइडिया लग जाएगा कि परेशानी दर्द किस क्षेत्र में है है ना आपको पता लग जाएगा कि परेशानी और दर्द किस क्षेत्र में है दोस्तों ये आपके अर्थोमेटिक का सवाल है आपको आइडिया यही से लगाना है कि वास्तव में समस्या कहां से है और उसी टॉपिक पे जम के मेहनत करनी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो हम टाइमर रोक लेते हैं अभी तक का सेशन अगर आप सभी छात्रों को अच्छा लगा तो उम्मीद करेंगे एक बार सेशन को लाइक भी टच करते रहे दोस्तों है ना मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दें पहली दफा ऐसा हुआ है पिछले साल का जो सबसे है ना इतने सिलेक्शन जिस जिन बैचेज ने दिए चाहे हम बात करें दोस्तों डीआई क्रेकर चाहे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैंपियंस का जो हाई लेवल सीटिंग पजल पस, बैच था इस बार दोनों को मर्ज कर दिया ये बच्चों की डिमांड पे ही कि सर अलग अलग ज्वाइन करने से बेहतर क्या तो हमने क्या किया दोनों को मर्ज करके डीआई क्रेकर का थर्ड चैंपियंस का जो हाई रीजनिंग के लिए मतलब ऐसे नाम नहीं समझ आएगा मैथ्स के लिए डीआई क्रैकर रीजनिंग के हाई हाई लेवल लेवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैंपियंस का जो हाँ लेवल बजल वो बैच होता है दोनों को मर्ज करके हम लोगों ने क्या बना दिया द स्कॉलर्स यानी अब वो मेंस ओरिएंटेड बैच ही होगा पूरा प्रीलिम्स वाले को भी सलाह रहेगी कि ज्वाइन कर लेना क्योंकि अल्टीमेट टारगेट दस अरे क्या प्रीलिम्स की तैयारी अभी करके दस दिन में, में मेंस की तैयारी करोगे अभी से लगो ठीक है भाई तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइमर आपका स्टार्ट हो रहा है बैच आ चुका है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है दक्ष डीआई सबका चलिए भाई सबाष सवाल छोटा 64 48 दो अलग अलग आंसर देखने को 80 भी देखने को मिल रहा है इतनी छोटे से सवाल में इतने गलत गलत आंसर भाई हम्म छोटे से सवाल में इतने गलत गलत आंसर दोस्तों चलिए समय समाप्त होता है अभी क्या बोला गया कि 45% ऑफ द फर्स्ट नंबर अच्छा दो संख्याएं मान लिया जाए क्या चलो दो संख्या मैंने मान लिया ए और बी कहा गया कि 45% ऑफ फर्स्ट नंबर जो बोला जाए अर्थमेटिक में यही तो होता है भाषा का खेल लैंग्वेज का खेल ऐसा नहीं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में से को समझ आए तुम्हें दो लैंग्वेज लिखिए कोई भी समझ पाओ और उसमें से लिखी, उसके अंदर लिखी हुई मैथ्स को आप शब्दों के माध्यम से पिरो दें उसमें जो मैथ छुपी हुई है उसको आप अपने सेंटेंस में उतार दे यही होती है अर्थमेटिक फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इक्वल टू दिक्कटी परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर इसका 60 मेरे दोस्तों इसका परसेंट दोनों आपस में बराबर है चले बराबर कर दिया हमने अब क्या आपको लग रहा है ए और बी का रेशियो मिल जाएगा मुझे यहां से बिल्कुल मिल जाएगा आप प्रयास तो करें भाई पंद्रह से कैंसिल कर दिया पंद्रह घुड़े तीन पैंतालीस पंद्रह घुड़े चार साठ लीजिए भाई अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ए अपॉन बी अगर हम लिखे तो यहां पर मुझे फोर बाय मिल जाएगा मिल गया जी अब ए की वैल्यू क्या आपको लग रहा है कि फोर के मान सकते हैं बी की वैल्यू थ्री के मान सकते हैं आपकी सुविधा के लिए मानने की भी कोई आवश्यकता विशेष नहीं है लेकिन आपकी सुविधा के लिए कैलकुलेशन में परेशान ना हो इसलिए मैंने ऐसा एज्यूम करके दिखा दिया ये दिखाने वाला चीज है आप करोगे तो फोर के थ्री की नहीं आप फोर यूनिट थ्री यूनिट करोगे अब मैंने क्या किया आगे के शब्द हमने पढ़े आगे के शब्द में क्या लिखा था कि एवरेज ऑफ द बोथ नंबर एवरेज कहा तो कोई परेशानी एवरेज ले, ले लेते हैं चार और तीन सात एवरेज का मतलब दोनों का सम डिवाइड बाई टू सेवन के डिवाइड बाई टू ये एवरेज है और ये एवरेज दस कम है ये दस कम है किससे भाई फर्स्ट नंबर से पहली संख्या क्या माने फोर के यानी कि ये जो लिखा है ये फोर के से दस कम है अब देखो पूरी अर्थोमेटिक में क्या होता है और ये एक टॉपिक इस सवाल मात्र में नहीं हर अर्थोमेटिक में सवाल में आपको यही दिखेगा जो वो लिखता है उसकी छुपी हुई मैथ्स को आप अपनी उतार दें बोर्ड पे तो अभी क्या किया मैंने फोर के आ, ऐसा करते हैं कि ये दस इस साइड लेके आते हैं और फोर के माइनस सेवन के बाई टू तो दो चौक आठ और आठ में सात घटाओगे तो के बाय टू हो गया तो यहां से की वैल्यू के बराबर आ गई अगर के की वैल्यू बीस हुई तो क्या बोला गया दूसरी संख्या का अस्सी परसेंट अच्छा जी अच्छा दूसरी संख्या है कितनी तो आपने कहा दूसरी संख्या क्या है इसका के की वैल्यू बीस है ना तो बीस गुड़े तीन कितना हो गया साठ तो दूसरी संख्या तो साठ है हमको इक, इसका अस्सी परसेंट चाहिए इस साठ का अस्सी परसेंट छ गुड़े आठ कितना हो गया अड़तालीस तो फोर्टी एट आपके सवाल का जवाब रहा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं हम लोग चलो जल्दी फटाफट से शाबाश <coughs> ठीक है भाई समय समाप्त हो चुका है अब जरा ध्यान से देखें क्या लिखा गया फाइंड द नंबर ऑफ वेस इन व्हिच द लेटर्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर वर्ड ये अरेंज लिखा हुआ है और हमें क्या करना है दैट द आर डू नॉट कम टुगेदर वाह भाई देखो क्या है कि कॉलेज में अगर जाते होंगे आप जब शुरू-शुरू में नया-नया कोई कॉलेज ज्वाइन होता है तो उसमें क्या कुछ टाइम के बाद ना कुछ अपने-अपने ग्रुप बन जाते हैं होता है होता है ना और ग्रुप में होता है ना इस टाइप की अपना अपना कंफर्ट जोन टाइप मतलब एक ही नेचर के लोग आप पढ़ने वाले बच्चे जो है पा, चार पांच का चाह रहे हैं दो लोग का पता लगा ग्रुप बन गया जहां दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं जटायु संपाति टाइप में है ना करण अर्जुन टाइप में तो उस टाइप में बोल दिया कि आर एक साथ ना आए तो पहले हम इस पर विचार करेंगे कि आर एक साथ आए जटायु संपाति टाइप में आर एक साथ आए अच्छा आर को एक साथ ही मात्र अगर आप लाना चाहते हैं तो उन दोनों आर को आप क्या करें एक डिब्बे में बंद करके कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से समझ गए मतलब दोनों को एक के डिब्बे दिब, में बंद कर दिया हमने अब क्या है कि हम हम पहले वो फाइंड कर रहे हैं कि आर एक साथ आए हम क्या कर रहे हैं आर एक साथ आए चलो हम आर को एक साथ ला रहे हैं अब इसके अलावा कितने बच गए ए बचा फिर ए बचा ठीक है फिर एन जी ई बच गया एन जी ई बच गया ये कम टुगेदर वाला केस है ध्यान रखिएगा मान लीजिए आपसे कई दफा ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है कि वॉवल्स कम टुगेदर, ये वॉवेल्स कम टूगेदर वॉवल्स नॉट मतलब वॉवल्स नेवर कम टुगेदर टाइप का सवाल है ध्यान रखिएगा इस चीज को तो आर को हम एक साथ लेके आगे दोस्तों अभी क्या हुआ इसको एक सिंगल मान लिया अभी यहां पे क्या हुआ दो यहां पे कितना हुआ तीन यहां पे कितना हुआ दोस्तों चार यहां पे कितना हो गया पांच और यहां पे कितना हो गया आपने कहा तो छे तो छह छह लेटर मान लिए इन छे को छह जगह पे अरेंज करेंगे फैक्टोरियल सिक्स तरीके से अच्छा जी बंद तो बहुत रहे थे है? नहीं ये बंद तो बहुत रहे थे कि हम जहां हैं वहां साथ में है हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से मतलब एक खुद साथ बन रहे थे लेकिन एक बात बताओ अगर बस में बैठेंगे तो टिकट तो दो लेनी पड़ेगी ना सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट दो लेनी पड़ेगी ना इसका मतलब क्या है कि वास्तव में है तो अलग अलग ना है तो अलग अलग ही तो अलग अलग है तो इन दो को भी आप अभी क्या है कि हम आर आर को अलग अलग मान रहे हैं हम सबको अलग मान रहे हैं तो आर और आर अगर दो हैं तो ये दो प्लेस लेंगे अपना ना और दो प्लेस लेने के लिए इनको फैक्टोरियल टू तरीके से अरेंज कर दिया कर दिया अब जरा ये देखें कि कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं तो आर दो बार है लो भैया फैक्टोरियल टू से डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई ए दो बार है फैक्टोरियल टू से डिवाइड अब ये बताओ फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू टर्मिनेट होगा फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आप कहोगे 720 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितनी होगी आपने कहा 360 ये साठ आपका ये क्या है वोवेल्स वो सॉरी आर कम टूगेदर ये आर एक साथ आए वो केस है ये आर एक साथ आए अब हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे शब्द बन रहे हैं टोटल शब्द हम टोटल भी देखेंगे ध्यान से देखना हम टोटल भी देखेंगे तो टोटल कितने बन रहे हैं जरा काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह सात टोटल सात है ठीक है भाई सात लोग सात जगह पे अरेंज होने के तरीके फैक्टोरियल सेवन अब रिपीटेशन देख लो ए दो बार लिख दिया फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाइड बाय आर दो बार लिख दिया फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या पांच को फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू पांच हजार चालीस होती है डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। हम ऐसे लिख देते हैं सात गुड़े सात सौ बीस सात गुड़े सात सौ बीस लिख दिया मैंने ये फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू है डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड दिया तो ये फोर इसको टर्मिनेट करेगा तो एक सौ अस्सी आ गया अठारह गुड़े सात कितना होता है एक सौ छब्बीस यानी बारह सो साठ हो गया तो दोस्तों बारह सो साठ ऐसे शब्द हैं देखो ऐसे समझो एक नगर है जहां पे कुल मिलाकर के 1260 लोग हैं उनमें से 360 क्या है जोड़े हैं 1260 ऐसे लोग हैं कुल लोग 1260 हैं और उसमें क्या तीन 360 जोड़े हैं ये साथ में ही आते हैं अगर ये साथ में ही आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों उस कंडीशन में हम ये करेंगे मान लो अमरीसपुरी आ गए हैं क्या कि तुम दोनों साथ में ना दिखो तो ऐसे कितने हैं जो जोड़े नहीं हैं मतलब आर एक साथ ना आए तो उस कंडीशन में क्या करोगे डिफरेंस ले लोगे बारह में तीन घटा दिया नौ तो नौ ऑप्शन नंबर मेरा आंसर हो गया अगर इस टाइप की फाउंडेशन चीजें आपको देखने देखो तो मैंने अभी पढ़ाया भी अभी यूट्यूब करें पेड़ बैचेस की बात ही नहीं कर रहे हमने यूट्यूब पे पढ़ाया इन चीजों को अच्छे तरीके से एक पूरे एक घंटे के सेशन में खाली पांच सवाल खाली यूट्यूब पे एक्सप्लेन मात्र किया है तो अगर इन सब चीजों को समस्या है तो चीजों को देखें आप सारे लोग बहरहाल वक्त ज्यादा हो चला है यार है ना चूंकि पहला दिन था तो हमने क्या किया आज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कशन का पार्ट था जो कुछ भी था अभी क्या कि जब कल से डे टू शुरू होगा ना अभी ज्यादा चीजें नहीं कैसलेट वगैरह सब कुछ थी लेकिन एक्सप्लेन करने में चीजों को जो कि पहला दिन जो होता है तो सवाल ज्यादा नहीं होते पहले दिन में पहले दिन में खाली स्ट्रैटेजी तो हम लोग आप लोग को तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए मैंने कुछ सवाल भी करवा दिए बाकी आज का कोई मोटो नहीं था कि आज सवाल वगैरह करवाए जाए बहरहाल हम आपसे ये इतना कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे कौन सा पोर्शन कमजोर है ये कौन सा चैप्टर है हाँ ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी हा? बड़ी जल्दी पूछ लिया अच्छा अभी वक्त रहते है आपने पूछ लिया ऐसा भी होता है कई बार एग्जाम के दो दिन पहले पूछते ये क्या है है ये तो हम बताते हैं पूछते क्या है? अरे सब छोड़ो अभी कोई एग्जाम था कुछ दिन पहले तो उसमें लास्ट दो दिन बाद एग्जाम था एक बच्चा पूछा सर डीआई क्या होती है बताओ एक टीचर जो सिलेक्शन ये उम्मीद कर रहा है कि सामने वाले जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो सारे लोग ताबड़तोड़ मेहनत करके सिलेक्शन कर देंगे और सामने वाले से यह प्रतिक्रिया आती है कि सर डीआई क्या है वो भी एग्जाम के दो दिन पहले तो फिर मैरियाना ट्रं वहां पर क्या है दो विशाल समुद्री कछुए पाए जाते हैं है ना? एक का नाम क्या है डी एक का नाम है क्रैकर तो ये दोनों क्या है? दोनों भाई हैं तो ऐसे सवाल मत क्या करें देखो क्या है कि बहुत खतरनाक टाइप का भाई ऐसे सवाल कर लेते हो तुम लोग चलो अब देखो क्या है कि ये तो स्ट्रैटेजी डिस्कशन ही हम लोग कर रहे हैं और आज हमने एक मित्र से अपने आग्रह किया था और हमारे परम मित्र हमारे साथ इस समय खड़े हैं जो हमारे आग्रह पे आए क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है पता है शाम को छह बजे बाद फिर भी हम लोग मतलब है ना रिस्क लेकर के इस समय ऑफिस मटरा रहे हैं तो अब क्या है कि प्रीलिम्स के बारे में जैसे आपको मैंने बताया कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स तो आपका प्रैक्टिस से निकल जाएगा कुछ बाद आप ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अभी क्या है कि मेंस का कुछ खतरनाक सा माहौल आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यूस जाओगे तो प्रीलिम्स तो फूक के उड़ा दोगे हमें पता तो पिछले साल के जो थैंकर सिलेक्शन देने वाले बैचेस जो बैचेस थे दोस्तों जो आपको मेंस में हेल्प किए चाहे हम बात करें मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई क्रैकर का चाहे हम बात करें रीजनिंग में चैंपियंस जो आपका हाई लेवल सेटिंग पजल बैच था तो आप में से बहुत सारे बच्चे थे सर अलग अलग एनरोल कराना पड़ता है तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के दोस्तों हमने क्या किया हम और सौरभ सर सौरभ सर अगर आपकी मतलब तो हम और सौरभ सर ने क्या किया कि आ, हमने क्या किया उसको मर्ज करके हम लोगों ने मर्ज कर दिया ठीक है और वो बहुत आवश्यक है और इवन हम मात्र मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे हैं वो तो ठीक ही है हम सब लोग को सलाह देंगे क्योंकि अल्टीमेट टारगेट भाई दिल के किसी ना किसी कोने में तो आप सबके सिलेक्शन लेना ही मात्र है ना तैयारी किसी ऐसा सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते तो नहीं कर रहे हैं ना टारगेट तो यही है कि हाँ सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं तो उन बाधाओं से मुक्ति पानी ही पड़ेगी और मुक्ति पाने का जो विकल्प है आपके सामने समय रहते अगर कर लिया जाए उस पर प्रयास तो ज़्यादा बेहतर है तो हम सभी छात्रों को ये मतलब सलाह देंगे दोस्तों कि आप सारे लोग जरूर ज्वाइन करें किस बैच पहली बार ऐसा किया गया कि

सो कोर्स देखो स्कॉलर बैच का मेन जो एजेंडा है वो ये है कि हम लोग मेंस में अपने आप को uh, मतलब मेंस में हम सिलेक्शन मतलब प्री तो हम लोग यहाँ पे हम लोग पिछले दो तीन महीने जब नोटिफिकेशन नहीं थे तो भी हम प्री पे काम कर रहे थे हम सभी फैकल्टी से मैं हूँ बाकी हर एक टीम हर जगह हम लोग प्री के लिए काम कर रहे हैं तो प्री का जो लेवल है वो हम क्रॉस कर चुके हैं दो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट में बार बार बोलता हूं मैथ्स जो आपको हमेशा हेल्प करते रहता है और वो कॉन्क्रीट प्री में भी काम आएगा आपको जो हम वहां पे जो स्कॉलर बैच में पढ़ेंगे ऐसा थोड़ी कि प्री में काम नहीं आएगा प्री में जैसे अर्थमेटिक वाले सवाल में आप जब फंसते हैं तो वहाँ पे कौन काम आएगा या फिर डीए का जो एक सवाल देखने को मिल जाता है वो कौन काम आएगा तो ऑफ कोर्स वही चीज वहाँ पे काम आएगा सिटिंग पजल बैच में जो हम लोग का जो सिटिंग पजल बैच जो हम लोग जिसमें स्कॉलर में जो सिटिंग पजल बैच दिख रहा है चैंपियन तो सिटिंग और पजल जो इंडिविजुअल दो सब चैप्टर है वो भी आपको वहाँ पे हेल्प करने वाला प्री में तो करेगा ही करेगा हमारा मेन मसला है कि हम लोग जो पाँच जो मैंने बताया ना प्री में पचास लोग क्वालिफाई करेंगे और नो मेन्स में आपके पास सिर्फ पाँच लोग तो पैतालीस जो लोग वहाँ से छटेंगे उस पैंतालीस लोगों में से हम लोग हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं हम ये नहीं चाह रहे हैं तो जो अलग अलग बैचेस पिछले साल तक रहती थी डी क्रैकर बैच और हाई लेवल सिटिंग पजल बैच इन दोनों बैच को मर्ज करके ताकि बच्चे को ये ना हो कि यार मैं तो मतलब मेरा रीजनिंग तो ठीक हो गया लेकिन मैथ्स फंस गया मैथ्स तो अच्छा हो गया रीजनिंग रुक गया तो सिटिंग पजल में डर लग गया वहां पे फंस गए सवाल बहुत इनोवेटिव दिखाई दिया नया सवाल दिखाई दिया सर बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हो रहा है तो ये सवाल बाद में आपको ना मिले मतलब ये सवाल इस बार ना रहे और आप उन पांच लोगों में से आए ये हम लोग की उम्मीद है और इसलिए ये बैच को मतलब पहले आप देख रहे होंगे जो बच्चे पहले से स्टोर विजिट किए होंगे या फिर हम लोग हम लोग सुन रहे होंगे कि DI क्रैकर इन्होंने लॉन्च किया हमने भी हाई लेवल सेटिंग पजल बेस लॉन्च किया लेकिन फिर वी हैड डिस्कशन ओवर इट कि यार इस बार सिलेक्शन के लिए कुछ अलग करते हैं अपन मतलब इन द सेंस मेंस में उस पांच जैसे नोटिफिकेशन से पहले भी सही बात चल रही थी इस बारे में लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आया तो हमने तुरंत कहा कि नहीं, अब तो करना बनता है तो फर्ज बनता है हम लोगों का ये करना ठीक है सो वी स्टार्टेड दिस स्कॉलर बैच हमने लॉन्च किया इस चीज को और ये स्कॉलर बैच जो आपका है फोर्थ में से अभी इसका टाइम के बारे में भी हम बात करके टाइम इसका लॉन्च कर देंगे टाइम क्या रहेगा इस बैच का और ये सिक्सटी आवर्स नहीं रहेगा कम से कम नाइन्टी टू हंड्रेड आवर्स रहेगा आपका दोनों मिला के ये तो इस मैंने आवर्स पर मत जाना मतलब अन, मतलब पढ़ाई को तो खैर हम लोग तोड़ देंगे यहाँ पे ऑफ कोर्स 60 आवर्स यहाँ दिख रहा है अभी ये 60 आवर्स नहीं होगा ये तो काफ़ी अच्छा खासा आवर्स होगा एंड इसमें एनरोल करने के लिए सानू सर बिल्कुल तो आ, ये दोस्तों आपने देखा हम लोगों ने क्या किया कि आ, ये बैच है किस चीज़ के लिए है ये सब मैंने बता दिया अभी ये ध्यान रखें कि बैच एनरोल कराने के लिए अडा ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन या फिर अडा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर जा करके यहाँ पर आपको प्राइजेस दिख रही हैं ठीक है और इस प्राइज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम आपको कुछ कोड बता दे रहे हैं जैसे हम हैं सौरभ सर हैं ठीक है तो दोनों लोगों में से किसी का भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं जैसे वाई ठीक है वाई या फिर इसके अलावा दोस्तों आप वाई एट एट दो में से कोई भी कोड यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपको इन दोनों में से ये बैच 1448 दिख रहा है अभी ये बैच हाँ। और रिड्यूस होगा आप जब एप्लीकेशन पे जाएंगे एक्जेक्टली ठीक है तो आप दोस्तों मैंने जो दो कोड बताया वो दो कोड आपके ये थे y179/y188 ठीक है और इससे भी ज्यादा बेहतर विकल्प क्योंकि दक्ष 7 भी आ चुका है है ना दक्ष 7 दक्ष प्लस टारगेट टारगेट के लिए बैचेस भी हैं अभी आने वाले मतलब भाई जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी बैचेस तो आएंगे ही आएंगेमेंट है ना जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएंगे एक्जेक्टली exactly. तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेहतर विकल्प है कि आप सारे लोग बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो ये क्या है कि इसमें सारे के सारे बैचेज आपके इन एक चाहे स्कॉलर बैच हो

सौरभ उसके बाद फिर तो आठ नोट आप दोस्तों टाइम लेकिन, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक मिलने वाली है तैयार तो रहिए इसके जस्ट बाद एक सरप्राइज टाइप एक और सेशन है मिलने वाले हैं बस आपसे दस मिनट बाद ठीक है exactly. चलिए दोस्तों खुश रहें ख्याल रखे और कल डे टू रहेगा तो प्रॉपर एक होता है ना पेपर हम लोग पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज शुरुआत थी क्लॉक ये कंफर्म है कि हमारा ये जो क्रैश कोर्स है आपके लिए मतलब रामबाण बन के आएगा बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो हम लोग बस ये जो सात से आठ जो इंग्लिश चलेगा आठ से नौ में पढ़ा रहा हूं नौ से दस से पढ़ा रहे बस इसमें लगातार जुड़ते रहना प्री का इधर हो गया बैच आपका मेंस के लिए है बात खत्म है मतलब ये चीज है और करंट अफेयर्स प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है करंट अफेयर्स का अपना नोटबुक तैयार कर लो और कर ही रहे होंगे आप लोग और नहीं कर रहे हैं या फिर ढिलाई अगर चल रहा है उसमें तो उसको प्लीज़ वापस से कम बैक कीजिए उसमें बहुत सीरियस हो जाए पचास नंबर है वहाँ से तीस पैंतीस नंबर आराम से निकल सकता है आपका और बहुत बड़ा हेल्प करता है क्वालिफाई करना सर आप सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाते हैं क्या नहीं मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज़ सर हिंदी में करवाइएगा पूरा हिंदी में भाई मैं दोनों में करता हूँ इंग्लिश बोलता हूँ जॉर्डन मतलब लग रहा है जॉर्डन मतलब जॉर्डन खतरनाक वर्जन है ठीक <laughs> है ओके थैंक यू सो मच स्टडी वेल ब्लेसिंग सभी को और, course, पढ़ते बढ़ते और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तो गुड नाइट दोस्तों ठीक है मिलते हैं अभी दस मिनट बाद फिर मिल रहे हैं आपसे थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू